ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ନିଜର ଏକ ଟାଇଟଲ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଥ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ନାଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନୀଲାଞ୍ଜନା ଦାସ ଯିଏକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଟାଇଟଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ସେ ଏଇ ଟାଇଟଲ ପାଇବାରେ କେମିତି ସେ ଏଇ ଟାଇଟଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନୀଲାଞ୍ଜନା ସବସେ ପହିଲେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଆପ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଓଡ଼ିଶା କି ବହୁ ହେଁ ଔର ଇସକେ ବାବଜୁଦ ଆପ ଇସ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କି। ତ ପହିଲେ ତ ମୁଁ ଆପସେ ଏଇ ପୁଛନା ଚାହୁଁଗି କି ବ୍ୟୁଟି କ୍ୟା ହେ, ଆପକେ ଲିଏ ବ୍ୟୁଟି କ୍ୟା ହେ? ମେରେ ଲିଏ ବ୍ୟୁଟି ଦୋନୋ କା, ଆପକା ଆଉଟର ବ୍ୟୁଟି ଇନର ବ୍ୟୁଟି ଦୋନୋ କା କମ୍ପୋଜିସନ ହେ। ଆଉଟର ବ୍ୟୁଟି ଇଜ ନଟ କି ଆପକା ଫେସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେ, ଆଉଟର ବ୍ୟୁଟି ସେ ମେରା ମତଲବ ହେ କି ଆପକି ବଡି କିତନି ଫିଟ ହେ, ଔର ଇନର ବ୍ୟୁଟି ସେ ମେରା ମତଲବ ହେ କି ଆପ ଅପନି ସୋସାଇଟି ଔର ଅପନେ ସାଥ ମେ ଅପନି ନେଚର ସେ ଲେକର ଅପନି ସୋସାଇଟି ମେ ଜିତନେ ଲୋଗ ହେ ଉସକେ ଲିଏ କୈସେ ହେଲ୍ପ କରନା ଚାହତେ ହେ, ଆପ କିତନା ୱିଲ୍ ରଖତେ ହେ କି ଦୂସରୋ କେ ଲିଏ କୁଛ କରେ, ଔର ଇନ ଦୋନୋ କା ଜୋ କମ୍ପୋଜିସନ ହେ ଭାଇ କିସି ଇନସାନ କୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବନାତା ହେ। तो जैसे आपको ये टाइटल मिला मिसेस इंडिया इंटरनेशनल अर्थ, तो कैसे आपको उस समय फील आया? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट बिफोर मैरिज एक रहता है सपना कि हाँ बिफोर मैरिज ब्यूटी रहता है, आफ्टर मैरिज इट बिकम्स अ डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन कि अपने आप को उतना मेंटेन करे। तो जब ये टाइटल आपको मिला तो क्या अनुभव आपकी? इस टाइटल इस जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लर्निंग मुझे मिली, क्योंकि मेरे जो कंटेस्टेंट्स थे, को कंटेस्टेंट्स थे, वो लोग सभी बहुत अपने ओन फील्ड्स में सक्सेसफुल लेडीज़ थी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स से, मतलब वो लोग ऑलरेडी दे वर मेकिंग उनकी फैमिली प्राउड, तो उन लोगों के साथ कम्पीट करना भी मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। और जब मुझे ये टाइटल मिला, मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइटल इस पेजेंट में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था, और उनने काफ़ी मेहनत की है कि मैं इस पेजेंट में जीतूँ। तो मैंने भी पैशन बना लिया था कि मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत की है तो मुझे इसको जीतना है, कुछ तो करना है जिससे मैं उनको खुश कर पाऊँ। तो जब ये मिला तो बस मेरे हस्बैंड सामने खड़े थे, मुझे मैं उनको देख रही थी कि वो खुश है कि नहीं है, और वो काफ़ी खुश दिख रहे थे। जैसे कि कहा जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक सपना रहता है, तो आफ्टर मैरिज अपने आप को इतना मेंटेन करना डिफिकल्ट तो रहा ही होगा? मेंटेन करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ी थी, मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेस की, वर्कआउट किया था, और उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं अपने ऑफिस के लंच आवर को यूज़ करती थी, एक घंटे का लंच देते हैं, तो उसमें मैं एक घंटे 40 मिनट्स जाके वर्कआउट करती थी, उसके बाद डेस्क पे आके लंच करती थी। तो काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इट वॉज वर्थ। पेजेंट कॉन्टेस्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड एंड मॉडल्स भी आए होंगे जो कि मिसेस हो चुकी है, लेकिन दे आर हैविंग अ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आप अपने आप को कैसे वहाँ पे मेंटेन की? एग्जैक्टली वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड लेडीज आई हुई थी, और वो सभी काफ़ी फिट भी थी, ब्यूटीफुल थी, इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, मॉडल्स, तो उनको देख के थोड़ा मुझे लगा कि ये लोग तो ऑलरेडी उस फील्ड में है, बट मेरा एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और ठीक है मैं वो अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं तो मैं अपने प्रोफेशन में अच्छी हूँ, बट यहाँ पे हम सभी एक प्लेटफॉर्म में हूँ, एक प्लेटफॉर्म में हैं, और सबको सेम तरीके से ही आगे बढ़ना है। तो आपको अपने आप को कभी पर्सनालिटी ग्रूमअप के लिए आपको कुछ करना पड़ा था, या आपका वो कॉन्फिडेंट लेवल ही था जो कि आपको इस लेवल तक पहुँचा पाया? टू बी ऑनेस्ट ये भी एक मेरे लिए कंसर्न था, क्योंकि जो भी इंडिया में मेरे को कंटेस्टेंट्स थे वो सभी पेजेंट ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कि काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, टियारा इंस्टीट्यूट, जहाँ से सारे मिस एंड मिसेस इंडियाज, तो वो सब लोग वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे थे, और मैंने लंदन में ये देखकर मैंने भी लंदन में इंक्वायर किया कि मैं भी ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ जब सब लोग ले रहे हैं, तो पर मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, वो लोग इस चीज़ को इतना वहाँ पे काफ़ी लोकल पेजेंट्स होते रहते हैं, तो सभी लोग काफ़ी यूज टू है पेजेंट की, उन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट फाइनली मुझे वहाँ पे जो 2013 में मिस ब्रिटेन यूनिवर्स रह चुकी है, ग्रेस लेवी करके, वो एक पेजेंट स्कूल चलाती है, उनसे मैंने 5 आवर्स की ट्रेनिंग ली थी, तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे ये जानने में कि पेजेंट क्या होता है, कैसे होता है, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है, तो
हाँ थोड़ी ट्रेनिंग मैंने ली थी और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया, बट ये जो पेजेंट का पूरा प्रोसेस है जो 3-4 मंथ्स चलता है, इसमें आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे टास्क देते हैं आपको, आप जाके लोगों से मिलते हैं, आपको पब्लिसाइज करते हैं, तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता ही जाता है। नीलांजना ओडिया घरर बहु, ओडिशार नाम मध्य रखिछंती, ओडिया कल्चर को आसिकी से याकू खूब भल भाव अपनाइछंती, एवं ता सहित जहाँ रही गोटे बहु हवा सहित निज को केमती गोटे सोसाइटी एस्टाब्लीश करि परिबे ताकू से करि देखैछंती, एवं समस्तक सामना रे एक उदाहरण भाव से साजिछंती। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रफुल्ल सियाळंक सह रश्मिता दास, ईटीवी न्यूज़।